तनुषा शर्मा के केस में आया और एक ट्विस्ट। आइए देखते हैं क्या कहा तनुषा शर्मा के वकील ने। एक्यूज को चौथी बार कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, रेगुलर कोर्ट ना होने की वजह से इंचार्ज कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और आज एक्यूज का एमसीआर ग्रांट हो गया, मतलब उसको जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट द्वारा भेज दिया गया। 14 दिन की न्यायिक, कितने दिन की जी? 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में गया, न्यायिक हिरासत में 13 जनवरी तक। सर, जो पुलिस लगातार जो अपने पक्ष दे रही है उससे आप कितने सेटिस्फाई है, क्या आप कहना चाहोगे? पुलिस की जाँच से तो मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूँ। जो भी पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंस कलेक्ट करने में वो विफल रही है, जिसका लाभ लेते हुए एक्यूज को इजली बेल मिल जाएगा। सर, लगातार जिशान जो है वो लगातार अपने स्टेटमेंट चेंज कर रहे, ऐसा कहना है पुलिस का, आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, जिशान देखने से एक मजबूत मानसिक स्थिति वाला लग रहे हैं, जिसने जब पुलिस का भी कहना है कि उसने उसमें सहयोग नहीं किया। काफ़ी कुछ उन्होंने कहा, जैसे जीमेल का पासवर्ड उन्होंने भूल गए, उसके बारे में आपकी क्या विचार है, क्या राय रखें? वगैरह का पासवर्ड तो एक्यूज द्वारा जानबूझ के नहीं दिया गया होगा कि जिससे उसके खिलाफ एविडेंस पुलिस ना कलेक्ट कर पाए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कलेक्ट ना कर। एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बारे में बात की जा रही है, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, आप क्या कहना चाहोगे उसको लेकर? सीक्रेट गर्लफ्रेंड के विषय में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ, कुछ तो ट्रायंगल होगा तभी तो विक्टिम ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है ना।